हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग बिग कैश बॉक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जो सीखने की कोशिश करेंगे वो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर सीक्रेट्स। मतलब मूविंग एवरेज इंडिकेटर के क्या क्या यूटिलाइजेशन है ट्रेडिंग में और इसको यूज़ करके हम अपने ट्रेडिंग कैसे सक्सेसफुल बनाएं। दोस्तों, मैंने जब अपना ट्रेडिंग करियर शुरुआत किया था लगभग 2006 में, तब मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स और काफ़ी सारे वेबसाइट्स और बुक्स में जाके ट्रेडिंग कंसेप्ट सीखना चाहे, और नेचुरली मेरे सामने उस समय इंडिकेटर थ्योरी आ गई जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं ट्रेडिंग सीख गया हूँ और इंडिकेटर जो है काफ़ी अच्छा काम करते हैं और मुझे सक्सेस का फॉर्मूला मिल चुका है। तो सबसे पहले मैंने जो सीखा वो था मूविंग एवरेज इंडिकेटर, और नेचुरली ये भी सीखा कि जब स्लो मूविंग एवरेज इंडिकेटर को एक फास्ट मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्रॉस ओवर करता है तो बाय करे और ट्रेड में तब तक बने रहे जब तक ये उल्टा क्रॉस ओवर नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये स्लो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है और ये जो फास्ट मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है इसको जब क्रॉस ओवर देगा तो हमें बाय करना है और हमें ट्रेड में रहना है। ये मैंने सीखा और ये मैंने तुरंत तुरंत अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसका आउटकम मैंने जब एक महीने के बाद देखा तो मुझे लॉस ही हुआ दोस्तों। तो इसका परिणाम यही निकला कि इससे मुझे सक्सेस नहीं मिला। फिर मुझे ये लगने लगा कि इंडिकेटर किसी काम के नहीं है और इंडिकेटर लैगिंग होते हैं और इससे कोई ट्रेडिंग की नहीं जा सकती और इससे लॉस ही होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे इयर्स पास हुए और जैसे मेरी ट्रेडिंग अच्छी खासी होने लगी और एक एज ए ट्रेडर में मैच्योर होने लगा तो मुझे समझ आया कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है वो यूजलेस नहीं है दोस्तों। उससे काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है और उससे काफ़ी ट्रेडिंग में अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिससे कि हमारी ट्रेडिंग सक्सेसफुल बने। हालांकि इन जो मूविंग एवरेजेस होते हैं इनको स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना और इन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन इतने भी यूजलेस होते नहीं है मूविंग एवरेज। जैसे हमने पहली दफ़ा सोचा था कि क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी के फेल्योर के बाद ये हमें लगने लगे थे। तो देखिए दोस्तों, इसका यूजफुलनेस कैसे निकाला जा सकता है ये मैं आपको आज इस सेशन में पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आपको एक फेरारी कार दी जाए और एक मारुति कार दी जाए तो नेचुरली रेसिंग में आप बोलोगे कि फेरारी ही जीतेगी, मारुति कभी जीतेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मारुति कार जो है वो एक यूजलेस कार है और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मारुति कार का एवरेज ज़्यादा है फेरारी से। मारुति कार 4-5 लोगों को जो है बिठा के कहीं और लेके जा सकती है, तो वो कार बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। उसी तरह, इसी कंसेप्ट की तरह जो इंडिकेटर्स होते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स, वो यूजलेस नहीं है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूजलेस नहीं है या बेकार नहीं है और कुछ ऐसे मूविंग एवरेज के बेनिफिट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि ट्रेडर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज ये सिखाएंगे कि मूविंग एवरेज से ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया करा जाए, क्योंकि हमारा जो होता है ट्रेंड इज फ्रेंड, तो ट्रेडर जो होते हैं उनका ट्रेंड ही फ्रेंड होता है। आज ये भी सीखेंगे कि हम स्टॉक में टाइमली एंट्री कैसे करें ताकि ये जो ट्रेंड है वो हमारे पकड़ में आ जाए। एंट्री ऐसी जगह हो जहाँ से मार्केट चलना शुरू करे, एंट्री ऐसी हो कि जहाँ से मार्केट मूव करना शुरू करे, ना कि एंट्री ऐसी हो जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी थक चुका है और वो आगे नहीं बढ़ने वाला। फाइनली, मूविंग एवरेज से हमारी एक विनिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएं और ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कैसे करें ये भी हम सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा किसी भी ट्रेड में वो मूविंग एवरेज से कैसे रिलेट करेगा ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर चार्ट पे, और चार्ट पे ही हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज को इफेक्टिवली और बढ़िया तरीके से कैसे यूज़ किया जाए ट्रेडिंग में ताकि ये हमारी ट्रेडिंग जो है सक्सेसफुल रहे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए सो दैट जो नए नए वीडियोज़ में डालते रहता हो वो आपके पास तुरंत आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं फिर चार्ट पे। सो वेलकम बैक दोस्तों। देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है और मैंने इसमें कोटक बैंक का चार्ट ओपन करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन आप देखोगे तो आपको ये शायद समझ में ना आए कि इस बैंक के काउंटर पे शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग जाना है। ये डेली चार्ट है कोटक का, तो
तो हमें इसमें बाइंग करनी है या नहीं करनी है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं इस पे 50 मूविंग एवरेज का, ये जो मूविंग एवरेज है ये लगा देता हूँ। तो देखिए ये 50 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है थोड़ा सा। तो एज पर मूविंग एवरेज थ्योरी हम इसमें बाय कर सकते हैं, ये बाइंग के लिए कैंडिडेट है। अब कोटक बैंक की जगह वही सेम चार्ट मैं अगर इस मूविंग एवरेज निकाल के मैं अगर SBI का चार्ट लगाऊँ यहाँ पे, SBI SBIN, तो देखिए दोस्तों ये चार्ट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसी तरह है, कोटक बैंक की तरह ही आपको दिख रहा होगा। और ये हायर हाइज और ये बना रहा है चार्ट। तो एज पर प्राइस एक्शन तो बाइंग है, लेकिन जब मैं मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज इस पे लगाता हूँ, तो देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है दोस्तों। ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजर इसको मिला हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह इसको ब्रेकआउट किया हुआ है। तो क्या हम इस चार्ट पे इस काउंटर में बाइंग करेंगे? तो ये स्ट्रेट अवे आप ही के सामने है। देखिए दो बैंक सामने निकाले, कोटक बैंक और SBI। आपको ये अभी समझ में आया होगा कि ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करें और मूविंग एवरेज का यूज़ इफेक्टिवली कैसे करें। सो जो काउंटर जो स्ट्रांग हैंड्स में है वो है कोटक बैंक, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही दिख रहा है एंड उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, ये हमें पता लग गया यूजिंग मूविंग एवरेज। सो ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस वो स्ट्रॉन्गर काउंटर्स है, और उन काउंटर्स में हमें बाय करना है, ना कि वीकर काउंटर्स जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है। इसी तरह दोस्तों और एक काउंटर को देखते हैं। देखिए ऑरो फार्मा एक काउंटर है, ऑरो फार्मा को देखते हैं, औरबिंदो फार्मा को विथ 50 मूविंग एवरेज। देखिए ये काउंटर 50 मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आप देखोगे, मैं पेंसिल निकाल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दिया, फिर देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया हुआ है 50 मूविंग एवरेज को, और यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके प्राइस एक्शन यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था कि काउंटर ऊपर जाएगा, सेम वे यहाँ से काउंटर जो है ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो ये काउंटर स्ट्रेंथ दिखा रहा है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब ये काउंटर जो है स्ट्रांग हैंड्स में है और ये काउंटर को हमें बाय करना है। तो अगर हमें बाइंग डिसीजन लेना हो तो ऑरो फार्मा में हम वो डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर डॉक्टर रेड्डी का चार्ट निकाला जाए, ऑरो फार्मा की जगह हम डॉक्टर रेड्डी डालते हैं। डॉक्टर रेड्डी का अगर मैं चार्ट निकालता हूँ, जो कि डेली चार्ट है डॉक्टर रेड्डी लैब्स, तो देखिए डॉक्टर रेड्डी लैब्स भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप इस काउंटर को इस जगह बाय करेंगे? तो ये देखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो काउंटर है ये मूविंग एवरेज से दूर चला गया है काफ़ी। अगर आप देखोगे तो ये बहुत दूर है मूविंग एवरेज से, लगभग स्टॉक के आधा परसेंट दूर है। तो हमें इस काउंटर को इस जगह बाय नहीं करना है। जब भी ये काउंटर मूविंग एवरेज को टच करे और वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हमें इस काउंटर को बाय करना है। तो डॉक्टर रेड्डी में आपने ये देख लिया कि मूविंग एवरेज से कैसे इसमें ट्रेडिंग डिसीजन लिया जाए। अभी देखिए दोस्तों, मैं सन फार्मा आपको दिखाता हूँ, ये भी फार्मा काउंटर ही है। जैसे मैं आप हमने दो फार्मा काउंटर देखे, एक औरव फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, अभी तीसरा जो है सन फार्मा देखेंगे। ये देखिए दोस्तों सन फार्मा में ये है। क्या इस काउंटर में आप बाइंग करोगे दोस्तों? अभी आपको समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्गर काउंटर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है और जिन काउंटर्स में स्ट्रेंथ है उन काउंटर्स को ही बाय करना है। विदाउट मूविंग एवरेज ये डिसीजन लेना डिफिकल्ट होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हो 50 मूविंग एवरेज, तो आपको ये डिसीजन लेना काफ़ी ईजी हो जाएगा कि कौन से स्ट्रॉन्गर काउंटर्स है और कौन से वीकर काउंटर्स है। अभी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी टेक्निक जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपकी एंट्री जो है स्टॉक में वो बेटर समय पे कैसे लिया जाए, ये बेटर जगह पे और बेटर समय पे टाइमिंग उसकी कैसे परफेक्ट हो, ये हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों रिलायंस का चार्ट में खोल लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे और 50 मूविंग एवरेज लगाओगे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से कहीं से रिलायंस को एक थोड़ा छोटा सा ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे, और ये 600 के ऊपर बंद हुआ था।
तभी से लेके ये 50 मूविंग एवरेज को कितनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दे रहा है दोस्तों। ये प्राइस एक्शन जो है 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, और ये प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो काफी हायर हाइज एंड लोअर लोज वो बना रही है प्राइस एक्शन। तो अगर आप जैसे 929 पे अगर आप पहुंच गए तो ये प्राइस जो है 930 के आसपास है, 920-930 के आसपास। क्या हमें यहाँ पे बाइंग करना है रिलायंस में? आप देख रहे हो कि अच्छी तरह ब्रेकआउट मिल रहा है और प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो हमें क्या यहाँ बाइंग डिसीजन लेना है? इसको हमें यहाँ पे बाइंग डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। देखिए अगर आप जान लेते हो तो 942-944 प्राइस चल रही है एंड 840 के आसपास मूविंग एवरेज की प्राइस है, 840-850 के आसपास। तो ये डिस्टेंस और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट स्टॉक के 1-1.5% है। तो हमें इस जगह पे या ब्रेकआउट पे, इस जगह पे के ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी देखनी है स्टॉक की कि स्टॉक कितना आगे जा सकता है और उसके आगे जाने के चांसेस कितने हैं और नीचे आने के चांसेस कितने हैं। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक अगर नीचे आया तो इस मूविंग एवरेज को यहाँ पर टच कर सकता है, यहाँ पर टच करके ही फिर वो आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हमें मूविंग एवरेज को इस तरह यूज़ करना है कि प्रोबेबिलिटी देखनी है कि स्टॉक आगे कैसे बढ़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, फिर जैसे मूविंग एवरेज ने फिर से नीचे आया, इसी तरह नीचे आया और इसी तरह फिर स्टॉक ऊपर गया। तो हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी देखनी है और वेट करना है ताकि प्राइस एक्शन जो है मूविंग एवरेज को टच करे या मूविंग एवरेज के पास आ जाए, तभी प्रोबेबिलिटी स्टॉक के ऊपर जाने की अच्छी होती है। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको हमेशा याद रखनी है। आप अगर डेली ट्रेडर हो तो भी आपको 100 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज को के आसपास ही प्राइस एक्शन देख के डिसीजन लेना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो भी आपको मूविंग एवरेज देख के डिसीजन अगर आप लोगे तो काफ़ी अच्छा डिसीजन आपका साबित हो सकता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों देखिए डाबर का एक चार्ट को देख लेते हैं, डाबर इंडिया का देख लेते हैं। तो डाबर इंडिया में भी आप देखोगे तो कितनी अच्छी तरह प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है 50 मूविंग एवरेज को। और देखिए आप यहाँ से जो चलना शुरू हुआ 270 से, तो यहाँ पे प्राइस ने टच किया हुआ है, फिर यहाँ पे प्राइस ने टच किया हुआ है, फिर से प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास आई। लेकिन आप देखोगे तो ये पैटर्न जो है ये हायर हाइज और लोअर लोज ही है। ये देखिए ये पैटर्न जो बन रहा है प्राइस एक्शन का, ये हायर हाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि प्राइस जो है जब मूविंग एवरेज के पास आए, मतलब ऊपर चल के जब मूविंग एवरेज के पास आए तो आप इसमें बाइंग पोजीशन ले सकते हो, तो आपकी जो ट्रेड की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो मूविंग एवरेज को हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 50, 100 या 200 मूविंग एवरेज मैटर नहीं करता, ये कंसेप्ट जो है ये आप समझ लीजिए। ट्रेडिंग में कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसेप्ट यह है कि मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस आए तभी हमने ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर अगर प्राइस हो तो ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। फाइनली दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मूविंग एवरेज का, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है ट्रेंड। ट्रेंड कैसे पता करें कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टॉक का वो हमें पता करना है दोस्तों। तो देखिए रिलायंस का चार्ट अगर देखते हैं हम, रिलायंस का चार्ट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाते हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए देखिए डेली चार्ट पे हमें 200 मूविंग एवरेज लगाना है। तो देखिए दोस्तों 200 मूविंग एवरेज लगा के जब हम चेक करते हैं तो रिलायंस में हमें ये नज़र आता है कि रिलायंस का जो डेली ट्रेंड है या डेली चार्ट पे जो ट्रेंड दिख रहा है वो पॉजिटिव ही है दोस्तों। ये स्ट्रांग काउंटर है और स्ट्रांग हैंड्स में है, तो इस काउंटर पे हमें कभी शॉर्ट नहीं जाना है, इस पे हमेशा बाइंग करके ही चलना है। तो रिलायंस में देखिए अगर जैसे ही कोई भी काउंटर का जो प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो हमें उसमें बाइंग में ही चलना है, और जो काउंटर का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा डेली चार्ट पे उसमें हमें शॉर्ट करके चलना है। तो आप पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने के पहले यही देखना होगा कि काउंटर की स्ट्रेंथ क्या है, डेली स्ट्रेंथ क्या है, वेदर द काउंटर इज इन अ स्ट्रांग हैंड्स और वीकर हैंड्स,
उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो देखिए, मूविंग एवरेज आपको कैसे हेल्प करता है ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। दोस्तों इसी तरह देखिए, दूसरा काउंटर जो देखते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आप डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज लगाते हो तो प्राइस ने जो है 300 के आसपास इस एवरेज को क्रॉस किया है और अभी वो स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। दोस्तों अगर प्राइस आप देखोगे प्राइस एक्शन, तो वो स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। तो हमें जो है कभी भी अगर आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन लेना है तो कभी हमें सेल नहीं करना है या शॉर्ट नहीं करना है, हमें हमेशा बाइंग पोजीशन पे ही चलना है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव ही है। तो जब भी आप इंट्राडे में या पोजिशनल में आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लोगे तो हमें बाइंग करके ही चलना है, ना कि शॉर्ट करके चलना है। दोस्तों देखिए, अभी जो मैं आपके साथ कुछ फेल्योर एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा मूविंग एवरेज के, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। देखिए, मार्केट सुप्रीम होता है और प्राइस एक्शन जो है वो सुप्रीम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है, ना कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। और मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर ही होते हैं, तो कुछ कुछ समय ये इनके फेल्यूर्स भी हमें नज़र आते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है प्राइस ने मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, एंड अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज थ्योरी अगर क्रॉस करके प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होती है तो हमें उसमें बाइंग में चलना है। लेकिन ये प्राइस फिर से इसको तोड़ के नीचे गई और ऑब्वियसली प्राइस काफ़ी नीचे गई है। तो ये कुछ फेल्योर एग्जाम्पल्स भी है मूविंग एवरेज के, जो आपको चार्ट पे काफ़ी इजीली दिख जाएंगे। लेकिन फंडामेंटली अगर हमें देखना है तो प्राइस एक्शन जो है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे जब भी लेना है। तो मूविंग एवरेज को हम एक साइड लाइन जो है या एक सेकंड ऑप्शन करके हमेशा डिसीजन में रखेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है और प्राइस एक्शन हमेशा सुप्रीम होती है। तो प्राइस एक्शन इज लेटेस्ट वन, जो अभी जो चल रही है उसे प्राइस एक्शन कहते हैं, जो करंट प्राइस एक्शन। तो करंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है और मूविंग एवरेज को हमें एक सपोर्टिव डिसीजन की तरह रखना है, कि उसमें ट्रेंड पता चले, उसमें स्ट्रेंथ पता चले और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो हम इससे पता कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे यूजेज है मूविंग एवरेज के। जो यूटिलाइजेशन मैंने बताया आपको कितने अच्छी तरह हम कर सकते हैं और चार्ट पे हम इसको लगा के ट्रेडिंग डिसीजंस को हमारे इजी बना सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे सिनारियोज आएंगे जब आपको डिसीजन लेना होगा कि प्राइस एक्शन के साथ जाए या फिर मूविंग एवरेज के तरफ ध्यान दे। तो मैं हमेशा प्राइस एक्शन के तरफ ही जाता हूँ, क्योंकि वो लेटेस्ट होती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। देखिए, फोर्थ एंड फाइनल थिंग जो हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज को एक स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में। कहीं तो हमें स्टॉप लॉस रखना होता है, तो स्टॉप लॉस की तरह मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करेंगे ये हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने डाबर का चार्ट ओपन कर रखा है और आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे डाबर की, तो 50 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी 50 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट अच्छी तरह हो रही है। तो देखिए, हमें जब हम बाइंग करेंगे स्टॉक में अकॉर्डिंग टू द मूविंग एवरेज कंसेप्ट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जो है वो भी हम ट्रेल करें। और जैसे जैसे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगा। और कुछ मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके ही प्राइस ऊपर जा रही है हमें पता है, तो हम मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे हमेशा स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए, कुछ सीनारियोज ऐसे आएंगे जब आपका स्टॉप लॉस भी कट सकता है दोस्तों। जैसे देखिए, इस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस काट के फिर से ये मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देके ऊपर गई है, तो ऐसे सीन आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन यही मार्केट है और यही प्राइस एक्शन है, यहाँ पे कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो हमें ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए और हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि एंट्री और एग्जिट काफ़ी नहीं होती ट्रेड में, उसमें काफ़ी सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि मेरे दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। तो ट्रेड को मैनेज करिए दोस्तों, और मूविंग एवरेज को एक सपोर्टिव डिसीजन की तरह लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है दोस्तों। तो चलिए फिर, यही था आज का पूरा सेशन। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।